आज के इस वीडियो में एक ऐसा इंसिडेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो भारत में नहीं हुआ पर हर भारत के निवासी को उसे देखना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए। Did I tell you to sell food? Don't fucking put your hands up to me. I've insulted me up. The fuck care who you're talking to? You fuck stupid. Now, come get your food. Come get your food. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं जो भी चर्चित विषय हैं जो हमारे समाज में घटित हो रहे हैं, जिनसे हमारी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ता है, हमारे जीवन पे फर्क पड़ता है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो ऐसे इंसिडेंट हो जहाँ किसी के साथ धोखा हो रहा, कोई हिपोक्रेसी करके आपको लूट रहा हो, स्कैम कर रहा हो, वो सारी चीज़ों पर हम अपना यहाँ रिएक्शन देते हैं, ओपिनियन देते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं जिससे हम उससे कुछ सीख सकें या हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठा सकें जिससे हमारा समाज में अच्छा बदलाव आए। और अगर आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं, आप अवेयर रहना चाहते हैं और इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आप रियल टाइम अप टू डेट रह सकते हैं जो जो घट रहा है, और अगर कोई ऐसे मुद्दे जहां मुझे आपका सपोर्ट चाहिए आवाज़ उठाने के लिए, तो आप इस कम्युनिटी में रहकर ये चीज़ कर सकते हैं घर बैठे ही कुछ सेकेंड अपने देकर, और इससे हम सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं, एक हारमोनी में रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा इंसिडेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो भारत में नहीं हुआ पर हर भारत के निवासी को उसे देखना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये ऐसे इंसिडेंट क्यों होते हैं। ये कनाडा का इंसिडेंट टोरंटो का, मैं टोरंटो जा चुका हूँ, मैंने टोरंटो में देखा है रेसिज्म। जब मैं वहाँ था क्यूबेक प्रोविंस में और मॉन्ट्रियल में, तो मैंने देखा कि वहाँ अगर आप फ्रेंच में बात नहीं करते तो लोग आपको जवाब नहीं देते। एक बार मैं वहाँ फंस गया, मुझे ट्रेन का नहीं पता चल रहा था कि कौन से स्टेशन से मुझे ट्रेन बोर्ड करनी है, तो जब तक मैं इंग्लिश में बात करता रहा किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। पर जैसे ही मैंने फ्रेंच में मेसीबू को बोला तो मुझको जवाब मिला और मैं बड़ा सकपा का आ गया। मैंने कहा ऐसे कैसे, तो कहते हैं कि यहाँ फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो लोग पसंद नहीं करते किसी और लैंग्वेज में बात करना। इमेजिन करिए हमारी कंट्री में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं और हम लोग तो यूनिवर्सली इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम बोलते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत सिविलाइज्ड है, बहुत प्रोग्रेसिव है, पर आप इमेजिन करिए वहाँ दो लैंग्वेजेस के बीच में इतनी तनातनी है, यहाँ तो इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर देश में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर कुछ ऐसी भी स्ट्रेंथ्स होती हैं जिसमें हमें प्राउड होना चाहिए और हमें अपने भारतवर्ष पर प्राउड होना चाहिए, हमारी संस्कृति पर। और ये जो इंसान है जिसके साथ ये हादसा हुआ, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ हुआ क्या। तो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी का है, ये कस्टमर को पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा था, पिज़्ज़ा कंपनी का, और उसके पास कैश नहीं था, चेंज नहीं रखते ये लोग, बिकॉज वहाँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो दे फेस मग अटैक्स, मतलब उनको चेंज लेकर, उनकी कैश लेकर लोग भाग जाते हैं, बहुत सारा क्राइम है वहाँ ऐसा। तो जो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो कैब ड्राइवर्स हों चाहे डिलीवरी बॉयज़ हों, कभी चेंज नहीं रखते। और जब इस कस्टमर ने पिज़्ज़ा मंगवाया और उसको $20 दिए कि भाई तू चेंज दे मुझे, तो उसके पास चेंज नहीं थी और उसने फिर उसको एकाएक बहुत बुरे ढंग से ट्रीट करना शुरू कर दिया। आप ये पूरा वीडियो देखिए और ये देखिए कि इतना डिस्ट्रेसिंग है ये, कितनी पेशेंस के साथ ये जो साउथ एशियन बंदा है, ये मुझे नहीं पता ये इंडियन ओरिजिन है पाकिस्तानी ओरिजिन है, पर लग रहा है या तो इंडिया से या पाकिस्तान से, बहुत पेशेंस के साथ इस नौजवान ने इस चीज़ का सामना किया। जरा पहले वीडियो देखते हैं, और ये पूरा वीडियो मेरे ट्विटर अकाउंट पे अपलोडेड है, एक्स अकाउंट पे। आप अगर मेरे सारे ब्लंट ट्वीट्स फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ रियल टाइम आई कीप शेयरिंग माई ब्लंट ट्वीट्स एंड आई कीप रेजिंग इश्यूज। तो आप अगर वहाँ फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से अवगत रहेंगे, अवेयर रहेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे। पहले वीडियो देखिए फिर आगे बात करते हैं। Please right now, because I'll turn up in here. Call your police right now. Call your work police. Fuck I am. Call your work police right now. Bro, that's the exact money you have to give me. You think I never ordered food before? Dummy, are you stupid? Call the work police. Do something, I dare you. I dare you. I want you to. I will show you something. Fuck around with this waste you. Don't look at me like you're crazy. You're not like that. I'll tell you that. The fuck? You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace, buddy. Fuck. Hi there. It's order number 65. Fuck. Store number 42. So, did customer mention that he will pay with the cash or something else like this? Yeah. On the app, I press cash, you dummy. You nice, you tried it tonight. Tried it. तो गाइस, जैसा आपने देखा, इतनी पेशेंस के साथ ये नौजवान सहता रहा, कस्टमर सर्विस को कॉल कर रहा था
रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था जो भी प्रॉब्लम थी, और उसने कोई ऑप्शन भी नहीं चेक किया था कस्टमर ने कि भाई कैश ही एक्सेप्ट करेंगे. नॉर्मली द पेमेंट्स आर डन ऑनलाइन एंड एवरीबडी एवरीवेयर इट इज डन ऑनलाइन. Right, nothing, right? So, customer was just giving me a shit, like he's abusing me. Yep. And he just gave me $20. I told him if I want my change, then pay with that. I don't have my exact money. I paid like this before. So I want my change. Can I take my order back? I want my change. Yeah, I don't have any change right now. That's not my fault. You're selling food. Why don't you carry change? That's not my fault. Fool. Did I tell you to sell food? Don't put your hands up to me. Either suck me up. I don't care who you're talking to. So what to do? What to do? You thought you could finesse somebody? Let me see you try to move with that. Bring the change, right? Okay. That's it. So. Yeah, just call the customer first, please. Call the customer. Yeah. Right now. I want my order back. I will bring the change and I will give it to you. No. That's it. No, that's not how it works. You're not leaving with my money, dummy. I'm not leaving with your money. I'm giving your money back. I want Don't raise order. Your fucking voice at me. Don't raise your voice at me. Don't raise it. Take your 10 to a 2. Don't raise your voice at me. Okay. I'm not your son. Don't raise your voice at me. You're there like a little girl. He's here harassing me. Don't raise your voice at me, buddy. The fuck? Give me my money and go bring back my shit and bring the change. It's right there. Yeah. You could go for your food. No. Pass my money. Pass my money. Do you want me to take my money from you? Just give me Pass. The food. The food is right there. You could go for it. That's what I thought. Don't act like you weren't going to run my money, buddy. You fucking stupid. Now, come get your food. Since you want to piss me off, come get your food. He's calling you. I don't care who's calling me. My phone's not ringing, dummy. So nobody's not calling me, dummy. The fuck? Oh, this is the exact. You must have thought I was one of those little punks, eh? Wrong guy, you fucking fool. Wrong guy. I'll make a clown out of you, fucking clown. Your food's right there. Nobody's not stopping you. You should have told him to all call the police too. He's harassing me. Like I don't have it all on camera, you fucking clown. What did you think you were? Super brown guy? Like you were gonna come here and bad me up? Wrong guy, stupid. Fuck's wrong with this you? Fucking fool. Fucking clown. But he just threw the order. Yeah, I threw it. Or I placed it. If it was thrown, you fucking goof. You just threw the order down. Tell them call the cops too, because I have it all on camera. You fucking bitch. I have it all on camera. Hurry up. You think I wasn't recording? He threw the food. How could somebody throw a food and the food is right there perfectly fine? You stupid. What's wrong with this dumb guy? He threw the food. What are you trying to do? Play victim? You clown. Right? I'm glad you could hear me. Make sure you could hear me. This is the worst delivery driver you ever had. Yeah, fire you. This guy. This guy thinks he's going to come here and tell me? Yeah. Who the fuck thought you were? Oh, this is the exact money. So you have... sending the change bill? Oh, thank you. That's what I thought. You fucking clown. You fool. Free food. You fucking fool. You dummy. ये साफ पता चल रहा था जो लास्ट में जो सेलिब्रेट किया कस्टमर ने. क्लाउन. यू फूल. फ्री फूड. यू फकिंग फूल. You dummy! वो साफ पता चल रहा था कि इसको फ्री पिज्जा चाहिए था या इसको जस्ट खुंदक निकालनी थी इसको या कंटेंट शूट करना था, बिकॉज इसने आफ्टर दिस उसने अपने टिकटॉक अकाउंट में ये कंटेंट अपलोड भी किया. पर वो और बात है कि मुझे दिख नहीं रहा है अब ये वीडियो. मैंने बहुत सोर्सेज के थ्रू अपने फ्रेंड्स के थ्रू कनाडा में देखने की कोशिश करी कि क्या आपको ये टिकटॉक वीडियो दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, तो अब वो नहीं दिख रहा. आई थिंक उसने डिलीट कर दिया बिकॉज देर हैज़ बीन लॉट ऑफ बैकलैश. पर उस पर आएंगे क्योंकि अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है. मुझे चाहिए आपके सपोर्ट. पर मैं एक दो चीज़ें यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ. वो ये है कि ये जो रेसिस्ट अटैक है, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर देश में होती हैं. और जैसे वीरदास ने कुछ टाइम पहले
टू इंडिया वाली स्टोरी वेम्बले हॉल में प्रेजेंट करी थी। मुझे लगता है कि हमारे कॉमेडियंस को इतने गट्स होने चाहिए कि वो बाहर जाके उनके भी इन प्रॉब्लम्स को, जो कि रेसिज्म इज़ अ बिग प्रॉब्लम, उनके बारे में भी बात कर सकें। क्योंकि हमारे देश में कुछ अच्छाई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके देशों में कुछ अच्छाई हैं, कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी मार्केट वहाँ है और आपको वहाँ से आपका धंधा चलता है, आपके शोज़ होते हैं, तो आप इंडिया की बुराई करें, आप वहाँ के भी इशूज़ को प्रेजेंट करें। और आई एम श्योर आप उस तरह से बदलाव भी ला सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो जो ये वीडियो देख रहा है, अभी बात इसलिए नहीं खत्म होती है बिकॉज हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। अब ये जो नौजवान है, ये पाकिस्तान का है, इंडिया का है, पर मुझे लगता है कि जो भी हो, किसी भी कंट्री का हो, आई बिलीव वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ से जाते हैं मेहनत करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सपने लेकर जाते हैं और वहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। ही डजंट डिजर्व कि उसको कोई अब्यूज करे, रेसिस्ट अटैक करे और इतने गंदे गंदी भाषा में। मतलब उसने क्या क्या नहीं बोला, उसने स्टूपिड बोला, उसने बहुत कुछ बोला जो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता, अदरवाइज दिस वीडियो मे गेट फ्लैट। आई वांट यू टू, आई विल शो यू समथिंग, फक ट्विस यू, डोंट लुक एट मी लाइक यू आर क्रेजी, नॉट लाइक दैट, आई विल टेल यू दैट, नॉट लाइक दैट। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मुझे ये लगता है कि जो इंसान वहां जा रहा है, एक मेहनत कर रहा है, तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जो कि बहुत ज्यादा वोकल है इंडिया के अगेंस्ट, बहुत सारी बातें करते हैं अपने 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 हाउस में, बट क्या उनको समझ नहीं आता कि बस लोगों को वहां वेलकम करना और अपनी पॉपुलेशन भरना, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वो बस उतना ही नहीं बट उनको लॉ एनफोर्स करने के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए और इस तरह इंसिडेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं अपने ट्वीट में मैंने जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन पुलिस, टोरंटो पुलिस इनफैक्ट, उनको भी टैग किया है। और अगर आप ये ट्वीट को रीट्वीट करते हैं तो उन पर प्रेशर बनेगा, वो इस इंसान को ट्रेस करके उसको पनिश कर पाएंगे, बिकॉज इसने टिकटॉक अकाउंट तो डिलीट कर दिया है पर इसका यूजर अकाउंट पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कंपनी के पास हो। तो मैं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कंपनी को भी रिक्वेस्ट करा है मैंने अपने ट्वीट में कि वो इसको ट्रेस करने में हेल्प करें, इस कस्टमर को इसको बैन करें अपने सिस्टम से, और टोरंटो पुलिस इसको पनिश करो और अपडेट दे। और मुझे लगता है हर भारतीय को ये करना चाहिए, हर साउथ एशियन को, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे श्रीलंका से हो। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, ऑल एशियन पीपल, यू मस्ट टेक दिस वीडियो, शेयर दिस एंड रीट्वीट दिस ट्वीट एंड पुट प्रेशर ऑन कैनेडियन गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आपके कोई दोस्त होंगे, आपके कोई भाई बहन होंगे, या आपका भी जाओगे, आई डोंट थिंक रेसिज्म इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होता है, बहुत डर लगता है, आप किसी और कंट्री में हो, आप अकेले पड़ जाते हो। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना अतिथि देवो भव, और जब भी कोई यहाँ भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हमने पुराने पिछले टाइम में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जब फॉरनर्स यहाँ उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो हमने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। फर्नांडा का केस अभी हाल ही में मैंने उस पर वीडियो बनाया था, बहुत सारे रीच भी मिली, एंड उससे होता क्या है कि हमारे यहाँ एजुकेशन फैलती है, अवेयरनेस फैलती है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कैनेडा के लोग भी इस तरह की चीज़ों पर आवाज़ उठाएं और अपनी गवर्नमेंट को बोलें कि लॉ इन्फोर्स करना बड़ा ज़रूरी है, तभी हम ह्यूमैनिटी के साथ, हार्मनी के साथ इस वर्ल्ड में पीस के साथ रह सकते हैं। हमारे आसपास बहुत चीज़ें ऐसी घटित हो रही हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो इसराइल ईरान हो, पर मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम करना शुरू कर देंगे तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें भी, बड़े बड़े वॉर्स भी, बड़े बड़े युद्ध भी, उन पर भी विराम लगेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे वीडियो पे? आपको क्या लगता है इस नौजवान ने सही ढंग से हैंडल किया? क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां आपको रेसिज्म सहना पड़े हो, आप किसी फ्रेंड ने कोई स्टोरी बताई हो? तो कम्युनिटी सेक्शन में इन चीज़ों के बारे में चर्चा ज़रूर करना, क्योंकि जितनी हम चर्चा करते हैं उतना हम सीखते हैं, और यही एकमात्र लक्ष्य है इस तरह के कॉन्टेंट करने से। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप ऐसा कॉन्टेंट देखते रहेंगे और इसलिए मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए होता है ये वीडियो शेयर करने के लिए, बिकॉज कई बार इन फ्लैग्स की वजह से वीडियो मोनेटाइज नहीं होता, वीडियोज़ की रीच रुक जाती है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप थैंक्स बटन का यूज़ करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उससे हमारे पास ये कैपेबिलिटी बनती है कि हम ऐसा कॉन्टेंट लाते रहें। बिकॉज मुझे लगता है इंस्पाइट ऑफ दैट, अगर आप नहीं भी करते, अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो वो रीच बढ़ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, बिकॉज ऐसा कॉन्टेंट हर रोज़ आता रहेगा इस चैनल पर, कभी रिएक्शन, कभी डीकोड और कभी ओपिनियन, पर बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल बेखौफ, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। आप देख रहे थे पीपल, मैं हूं काश, अब कुछ नहीं छुपेगा। Yeah, I don't have any change right now. That's not my fault. You're selling food. Why don't you carry change? That's not my fault. Fucking did I tell you to sell food? Don't fucking put your hands up to me. I've sucked me up. The fuck care who you're talking to? You fuck stupid. Now, come get your food. Come get your food.